हेलो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है मिस्टर क्रिएटिव क्रिएट्यूट की एक और फ्रेश वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो हमारी दिवाली स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम लोग जिस टूल किट के बारे में बात करने जा रहे हैं ये दिवाली के टाइम पे हमारे घरों पे होने वाली रिपेयरिंग या मरम्मत के काम को बहुत आसान बना देगी और वो सारे मरम्मत या रिपेयरिंग के काम आप खुद कर सकते हैं इस टूल किट के सहारे तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इस टूल किट्स के बारे में और देखते हैं कि ये किस तरह से आपके काम को आसान बना सकती है और इस टूल किट में आपको क्या क्या मिलता है तो गाइज़ जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टूल इस ब्रीफ़ पे आती है और इस ब्रीफ केस की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है जिसपे कि सारे टूल्स बहुत अच्छे से अरेंज हो के आते हैं और सभी टूल्स के लिए प्रॉपर ब्रैकेट बने हुए हैं जिससे सारे टूल्स वहां पे सेट रहते हैं और इधर उधर मैसअप नहीं होते गाइस इस तरह के हैंड टूल किट का एडवांटेज ही यही होता है कि हमारे सारे टूल्स अरेंज होते हैं उनको ढूंढने में दिक्कत नहीं होती इस टूल किट में ये मेजरिंग टेप आता है जो कि तीन मीटर का होता है गाइज इस टेप की क्वालिटी तो काफी अच्छी है बस इसमें एक कमी है कि ये इंच और फुट में नहीं है इस पे सारी मार्किंग सेंटीमीटर में

जहाँ पे ये छोटे इसक्रू ड्राइवर पहुँच जाते हैं जैसे कि ये कुछ खिलौने खोलने हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान को खोलना वगैरह हो तो उन जगहों पे इन छोटे स्क्रू ड्राइवर को इस्तेमाल करते हैं इनमें दो स्क्रू ड्राइवर प्लस हैं और दो माइनस हैं जो कि अलग अलग साइज के हैं तो आपको हर तरह के स्क्रू खोलने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस किट के साथ आने वाला ये क्राफ्ट नाइफ बहुत ही अच्छा है और इसकी हैंडल या पकड़ने में जो ग्रिप आती है वो बहुत परफेक्ट आती है जिससे आपको कटिंग करने में बहुत आसानी होती है और जो इसका ब्लेड लॉक मैकेनिज्म है ये बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत इजीली आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं गाइस इसकी मदद मतलब से आप बहुत आसानी से किसी भी थर्मा कोल कार्डबोर्ड या एमडीएफ बोर्ड तक को काट सकते हैं दोस्तों इस किट में आपको एक करेंट टेस्टर भी मिलता है जो कि एक डिजिटल करेंट टेस्टर है इस टेस्टर की खास बात यह है कि आप इससे बिना तार को छीले ही या बिना कॉन्टैक्ट के ही ये पता लगा सकते हैं कि करंट आ रहा है या नहीं जैसे ही आप इसको तार के ऊपर ले जाएंगे तो इस पर यह एक बिजली के निशान सा सिंबल आ जाता है इसका मतलब कि करंट वायर से फ्लो हो रहा है और अगर आप इसको डायरेक्ट लगा देते हैं यानी तार छील के या सॉकेट में डाल के इसको इस्तेमाल करते हैं तो इस पर करंट के सिंबल के साथ साथ आपको कुछ नंबर्स भी देखने को मिलेंगे इसका मतलब ये होता है कि तार में या सॉकेट में करंट आ रहा है इस किट के साथ आने वाली ये हेक्सा बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है और हैंडलिंग इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है इस हेक्सा की बॉडी एल्यूमिनियम की बनी हुई है और साथ में इसमें रबर की पैडिंग दी हुई है हैंडल पे जिससे इस हेक्सा के साथ काम करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है और बहुत कम्फर्टेबल है ये किसी भी चीज को काटते वक्त यहाँ पर मैं बारह एम mm की प्लाईवुड को काटने की कोशिश कर रहा हूँ और देखिये कितनी आसानी से ये कट रही है और साथ में इस पीवीसी पाइप को भी देखिये कितनी आसानी से ये काट दे रही है इस आरी के डिजाइन की वजह से इससे सीधी कटिंग करना बहुत आसान है गाइज इस किट में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक रैचेट स्क्रू ड्राइवर सेट भी मिलता है जिसपे आपको स्क्रू ड्राइवर बिट और कुछ नट बोल्ट के सॉकेट्स भी मिलते हैं जिनका इस्तेमाल आप इस रैचेट स्क्रू ड्राइवर के साथ कर सकते हैं गैज अगर आप लोगों में किसी को ये नहीं पता कि रैचेट स्क्रू ड्राइवर क्या होता है तो इस पर होता यह है कि आपको पेच या नट बोल्ट खोलने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और यह बहुत आसानी से हो जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं इस रचड़ी स्क्रूड्राइवर में एक ब्लैक कलर की स्लाइडिंग बटन दी हुई है इसको अगर आप ऊपर की तरफ करेंगे तो आप पेज खोल पाएंगे बिना अपने स्क्रूड्राइवर को बार बार हटाए और अगर आपको पेज टाइट करना है तो आप इसके स्विच को नीचे की तरफ प्रेस कर दें जिससे आप पेज को या बोल्ट को टाइट कर सकते हैं इसको इस्तेमाल करने के बाद मैं बता सकता हूँ कि इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी आसानी से रैचड स्क्रू ड्राइवर का काम करती है किसी भी तरह की कोई परेशानी इसमें देखने को नहीं मिली मुझे और इसके साथ जो सॉकेट और स्क्रू बिट का कलेक्शन है वो बहुत सही है और आपको ज़्यादातर इन्हीं टाइप के स्क्रू के साथ काम करना पड़ता है गाइज इसके साथ में आपको ये एडजस्टेबल रेंच मिलता है जिससे आपको अलग अलग साइज़ के नट बोल्ट के साथ काम करने में बहुत आसानी हो जाती है गाइज ये एडजस्टेबल रेंच एक टूल किट में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में जो नॉर्मल रेंच होते हैं उनमें अलग अलग साइज़ के हिसाब से आते हैं जिससे कि कई बार ऐसा होता है कि जिस साइज़ का हमें नेटबोल्ट में काम करना होता है वो साइज़ का रेंच हमारे पास होता ही नहीं है तो इस एडजस्टेबल रेंच के सहायता से आप किसी भी साइज़ में एडजस्ट कर सकते हैं अपने रेंच को इस टूल किट में आने वाला ये क्लॉ हैमर बहुत सही है इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड है और मटेरियल भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल हुआ है। हैमर से जुड़े सारे काम ये क्लॉ हैमर बहुत आसानी से कर देगा साथ में आपको ये स्क्रू ऑर्गेनाइजर बॉक्स मिलता है जिससे कि आपको सारे स्क्रू अलग अलग साइज़ के अलग अलग जगह पर रख सकते हैं और ढूंढने में दिक्कत नहीं होती इस बॉक्स का यही फ़ायदा है साथ में आपको ये अलंकी का सेट भी मिल जाता है और जो कि बहुत सॉलिड है आजकल कई सारे नट ऐसे आते हैं जो एलंकी के सहारे ही खोले या बंद करे जा सकते हैं साइकिल्स या मोटरसाइकिल में अक्सर ऐसे नट बोल्ट देखने को मिल जाते हैं जिसमें यह एलंकी सेट बहुत काम आने वाला है इसमें एक इलेक्ट्रिक पीवीसी टेप भी मिलता है जो कि तार वगैरह पे लगाने के लिए काफ़ी अच्छा है इसके साथ में आपको ये दो प्लायर के सेट भी मिल जाते हैं एक लाइनमैन प्लायर है दूसरा नोज प्लायर है प्लायर का इस्तेमाल तो हर जगह ही जैसे होता है कई सारे काम आप इससे कर सकते हैं बोल्ट खोल सकते हैं तार को काट छील सकते हैं और भी बहुत सारे काम हम इससे सारे कर सकते हैं ओवरऑल इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है ये किट जिस बॉक्स में आती है वो बॉक्स का बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है बॉक्स बहुत सही है और बॉक्स को देख के लगता है कि ये काफी दिनों तक तो आपका साथ अच्छे से निभाएगा गाइस टूल्स अलग अलग ना लेके पूरी किट लेने में यही फायदा है कि आपके टूल्स बहुत अरेंज रहते हैं और इधर उधर जाने का खोने का खतरा नहीं रहता और ढूंढने में भी बहुत आसानी हो जाती है ओवरऑल ये टूल किट देखने के बाद और इस्तेमाल करने के बाद मुझे ये बहुत पसंद आई और अगर आप एक टूल किट लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी टूल है या आप कुछ टूल्स घर के रिपेयरिंग वगैरह के लिए रखना चाहते हैं या इलेक्ट्रीशियन वगैरह हैं आप तो आपके लिए ये टूल्स किट बहुत अच्छी है कारपेंटर्स के लिए भी ये टूल किट काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी